हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएफटी इंडिया फ्री लर्निंग ओपन यूनिवर्सिटी सूर्यांशी फाइनेंस में आपका स्वागत है। मैं इंडिया चलते हैं कालका मार्केट यानी 9 जान ट्यूसडे के लिए। निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या रणनीति रहेगा, कहाँ पे बाइंग करेंगे, कहाँ पे सेलिंग करेगा, उसका एक ब्रीफ एनालिसिस करते हैं। कालका मार्केट को जाने से पहले एक बार ग्लोबल मार्केट का ओवरव्यू लेते हैं और आज कौन सा लेवल में काम हो उसको भी एनालिसिस करते हैं। आप अगर मेरा प्रीवियस वीडियो का रेफरेंस लोगे, आपको जो लेवल में मैं बाइंग करने के लिए बताया था, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर शानदार मोमेंटम मिला। निफ्टी के अंदर 70 पॉइंट का मोमेंटम मिला वो लेवल से। चाहे छोटा 70 पॉइंट छोटा अमाउंट, मतलब भी छोटा पॉइंट नहीं होता है, तो आप अगर कोई सही में ट्रेड किया होगा, अपना रिस्क प्रोफाइल मेंटेन किया होगा, डेफिनेटली आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर 150 पॉइंट का, 150 से 200 पॉइंट का आपको मिला। तो जो बताया था, जो लेवल भी बताया था, उस लेवल में स्टॉप आउट होने का भी चांसेस है, वो भी हुआ। तो आपको सही डिरेक्शन में ट्रेड करना है, सही जगह में जो लेवल दे रहा हूँ वो लेवल के अंदर बिंदास ले लीजिए, स्टॉप लॉट स्ट्रेट मेंटेन करिए। क्योंकि मार्केट में जो अभी सिचुएशन है ये कंसोलिडेटेड है, आप छोटा छोटा ट्रेड लेके अपना प्रॉफिट बनाओगे, इसमें बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा जब तक जो प्रीवियस डे में जो भी लेवल बताया था वो लेवल को नहीं आता है। चलिए आपको ग्लोबल मार्केट का एनालिसिस करते हैं। माय डियर, डाउ फ्यूचर आपके सामने है, देखिए वही सेम सिनारियो है। 36,900 यानी 37,000 योर हर्डल लेवल। तो डाउ फ्यूचर अगर 37,000 को माय डियर ब्रेक नहीं करता है, यानी डाउ फ्यूचर अगर 37,000 को ब्रेक नहीं करता है नीचे की तरफ, यानी डाउनफॉल नहीं देता है, तो यहां से बाउंस होके फिर नया हाई बना के ऊपर की तरफ जाने के लिए चांसेस है। मगर इतना इजी नहीं है ऊपर की तरफ ये लेवल को ब्रेक करके 38,000 के पास अगेन जाने के लिए, क्योंकि ऐसा कोई इवेंट नहीं है कि ऊपर की मार्केट को ऊपर लेने के लिए। थोड़ा इतना जाने के बाद, ऑल टाइम हाई होने के बाद, थोड़ा नीचे आने के लिए मार्केट कोशिश करेगा, यही उम्मीद है। यानी 37,000 का अगर ब्रेक होता है तो डाउ फ्यूचर यहां से 500 पॉइंट नीचे, यानी 36,300 यानी 700 पॉइंट आपको डाउनफॉल मिलेगा। ये जब तक ये लेवल को ब्रेक नहीं करता है 36,700 को, तो 700 पॉइंट का जो नीचे की तरफ आप देख रहे हो ना, वो अभी भी नहीं आएगा। यहां से और कंसोलिडेटेड 2-3 दिन करेगा। जब तक ये लेवल को ब्रेक करके नीचे नहीं आता है, तब तक ऊपर जाने के लिए उम्मीद नहीं है या नीचे आने के लिए उम्मीद नहीं है। एक बार 37 को ब्रेक करके नीचे आ जाए तो 36,300 के पास एक शानदार बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। वो टाइम निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आप अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। याद रखिए लेवल को 36,300, डाओ 36,300 को आएगा, बिंदास माय डियर निफ्टी ले लो, बैंक निफ्टी ले लो। जब तक यहाँ पे ये नहीं आता है, तब तक छोटा छोटा प्रॉफिट जैसे आज बनाया ऐसे बना के आपको जाना है। चलिए सेम सिनेरियो आपको गिफ्ट निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा। तो गिफ्ट निफ्टी के अंदर माय डियर देखो, गिफ्ट निफ्टी सेम सिनेरियो के अंदर है, वही सेम सिनेरियो, गिफ्ट निफ्टी वही कंसोलिडेटेड नीचे आ रहा है, तो वही लेवल है। डाउ को 36,300 तक आएगा तो गिफ्ट निफ्टी डेफिनेटली आपको 31,450 तक आएगा। कितना? डाउ आपके लिए 36,300, और वो टाइम आपको गिफ्ट को देखोगे, आप गिफ्ट निफ्टी को देखोगे 21,450। ये लेवल को ये दोनों एक बार आ जाए तो आप बिंदास निफ्टी बैंक निफ्टी खरीद कर लीजिए। तब तक आप निफ्टी बैंक निफ्टी में छोटा ट्रेड के सिवा आपका पास कोई चारा नहीं है। लेवल के अंदर छोटा प्रॉफिट लेके बाय करिए, सेल करिए, जो भी लेवल देता हूँ लेवल के अंदर बिंदास ले लीजिए, स्टॉप लॉस आपका हाथ में। चलिए निफ्टी का बात बारे में सोच लेते हैं। निफ्टी के लिए आपको थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं। चलिए निफ्टी देखिए, निफ्टी में जो भी लेवल दिया था, एक शानदार आपको यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिला था। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर शानदार अपॉर्चुनिटी मिला था, निफ्टी के अंदर भी एक शानदार अपॉर्चुनिटी, यहाँ से देखिए, यहाँ से शानदार अपॉर्चुनिटी आपको निफ्टी के अंदर मिला था। 70 पॉइंट का मोमेंटम कुछ खराब अमाउंट नहीं है माय डियर, बोला था कि ये लेवल को भी तोड़ देगा, मार्केट भी तोड़ दिया है। तो चलिए शानदार ट्रेड कहाँ पे मिलेगा निफ्टी के अंदर कल, देखिए ये लेवल को आप ध्यान से समझिए। ये देखिए लेवल
ये एक्चुअली बाहर के लिए किसके लिए नहीं है, ये मेरे स्टूडेंट लोग के लिए है जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, वो लोग के लिए है। आप लोग जो अगर मेरे साथ जुड़े हुए हो यूट्यूब के अंदर, फिर भी आपको ये मजा लेना पड़ेगा। देखिए माय स्टूडेंट, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, आपको यू कर्व पैटर्न एकदम पता है। जो पुराने स्टूडेंट है यू कर्व जिसको पता नहीं है, मेरा अभी क्लास शुरू होगा, बैक ऑफिस में बात करके आप रिटेक ले लीजिए। और जो नए बंदे हो, अभी थोड़ा यू कर्व का पैटर्न हम लोग क्लियरली चेंज कर चुके हैं, सिस्टम पूरा चेंज हो चुका है टेक्निकल एनालिसिस का। तो माय डियर, ये आपके लिए लेबुल है, नोट करिए, लेबुल 21,575। ये लेबुल के अंदर अगर मार्केट एक बार काल ऊपर की तरफ जाता है तो आप यहां से एक एन कर्व अपनाइए। क्या अपनाना है? एन कर्व आपको अपनाना है। मार्केट को एक बार 21,575 के अंदर घुस के जब एन कर्व वो बनाएगा तो बिंदास किसको पूछना नहीं है, आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, पुट सीधा लेके बैठ जाना है। स्टॉप लॉस 21,660, एसएल क्या देना है? 21,660 का एसएल मारिए सीद्धा उसके अंदर। मगर एसएल को हमेशा आप क्लोजिंग बेस में, एसएल यहाँ पे क्लोज हो जाएगा तो कैंडल 5 या 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है, आपको पता है सब चीज। मगर एसएल को कभी मत भूलिए। एन कर्व आएगा, जिसको एन कर्व पता नहीं है माय डियर, इसके अंदर घुसता है तो आप ट्रेड लीजिए और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 21,660 का देके सेल जरूर करिए। बाइंग कहाँ करोगे भाई? डियर कल तो सेल बनता है, और बाइंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बाइंग करने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। कल का लेवल आपको याद है ना, इतना 31,000 वो लेवल आपको याद होगा। आई थिंक 21,350 यहाँ पे एक स्विंग प्लान करिए, पक्का पैसा देगा। एक दो दिन होल्ड का ट्रेड रहेगा, अगर एक दिन में मिल जाता है तो आप लीजिए। तो कल सुबह का ट्रेड आपको 21,575 के अंदर यू पैटर्न बनाता है तो आप शॉर्ट मारिए, सीधा आपके लिए टारगेट रहेगा 21,350। एक दो दिन होल्ड करिए, यहां तक आ जाएगा, मगर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। फिर 21,350 के अंदर आया तो फिर आप एक बाइंग ट्रेड ले सकते हो, मगर तब तक के लिए शॉर्ट मारते जाओ मारते जाओ। अभी शॉर्टिंग ट्रेड है, 21,575 के ऊपर आपको शॉर्ट करना है, 21,660 का स्टॉप लॉस एन कर लीजिए। जिसको पता नहीं है आप वहां पे भी जाके थोड़ा बहुत कंसोलिडेटर रेंज होके आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आपको बाइंग नहीं है 21,350 तक, यहाँ पे जाके हम लोग को बाय करेंगे। तो 21,575 के ऊपर शॉर्ट क्लियर करना, कभी भी बाय में नहीं बटना है जब तक 21,350 को मार्केट आया नहीं। तो ये हो गया निफ्टी। चलिए बैंक निफ्टी, माय डियर बैंक निफ्टी के लिए खोल देता हूँ बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी देखिए, आज बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर भी एक शानदार ट्रेड आपको मिला है। देखिए लेबुल दिया गया था, ये लेबुल से 200 पॉइंट का मोमेंटम आपको मिला, बस फिर ये लेबुल को तोड़ दिया क्योंकि मार्केट कंसोलिडेटेड है। तो चलिए आपको कहां से शॉर्ट ट्रेड मिल रहा है ये देखिए, 47,720 ये आपके लिए शॉर्ट बनेगा इसके ऊपर। कितना? 47,720 के ऊपर आपको एन कर्व लेना है, एसएल कहां लगाना है माइंड यार? 47,900 लीजिए, जब भी आएगा मार्केट को ठोक के शॉर्ट बने 47,900 ऊपर आप एसएल लगा दीजिए। मार्केट कभी भी 49,780-90 तक जाएगा, वहां पे भी रिटर्न लेगा, बट आप जो अगर यू कर्व ट्रेडिया को पता है यही पोर्शन में यू कर्व माई स्टूडेंट यू कर्व लीजिए। कब तक आपका टारगेट ये रहेगा? एक दो दिन होल्ड भी कर सकते हो ये स्टॉप लॉस मेंटेन करके। तो टारगेट आपके लिए कितना रहेगा? तो टारगेट आपके लिए रहेगा माई डियर ये 36,900। कितना टारगेट रहेगा? 36,900 का टारगेट, 36,000 या 47,000 ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है?
47,000 से लेकर 46,900 तक आप शॉर्ट में बैठिए, कोई बाइंग कॉल नहीं जब तक ये लेवल को नहीं आना है, तो ओनली शॉर्ट कॉल इंतजार करिए। 47,720 के ऊपर जाए, यू कर्व बनाए, तब तक प्लीज बाय मत करिए शॉर्ट में। क्लियर हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी, बस उतना ही सफिशियंट है। लेबुल को फॉलो करिए, लेबुल को आएगा तो छोड़िए मत, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करिए। मेरा लेबुल ऐसे नहीं जाता है, कभी भी आपको पैसा दे के जाएगा मैं इंडिया, अगर सही में काम करोगे तो। चलिए मैं इंडिया, निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया। चलिए आज तो लेट हो गया है, ऑलरेडी थोड़ा बहुत बिजी शेड्यूल है आप लोगों को पता है, तो यहीं पे रखते हैं, विदा लेते हैं। विदा लेने के पहले थोड़ा सा डिस्क्लेमर, दिस इज एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज ओनली, बिफोर टेक ट्रेडिंग प्लीज टेक एडवाइस योर फाइनेंशियल एडवाइजर। टेक केयर माय फ्रेंड, फिर मिलेंगे काले का चैनल, तब तक के लिए विदा दीजिए, बाय बाय।